लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने अपनों के बीच राजनीति से संन्यास लेने की ओर इशारा किया है। कमलनाथ ने मंच से कहा कि अगर आप मुझे रिटायर करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। देखिए ये रिपोर्ट। क्या राजनीति से संन्यास लेंगे कमलनाथ? छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कर दिया बड़ा इशारा। आप मुझे रिटायर करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, बोले कमलनाथ। भारतीय जनता पार्टी की टाइट फील्डिंग और मिशन छिंदवाड़ा के बाद कमलनाथ ने मानो भाजपा के आगे घुटने टेक दिए हों। यही कारण है कि कमलनाथ ने मंच से अपने रिटायरमेंट की ओर इशारा कर दिया। कमलनाथ ने भरे मंच से बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि यह मुझे विदा करना चाहते हैं तो मैं विदा होने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को आप पर थोपना नहीं चाहता। ये सब खर्चा ना करूंगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। आपने इतने साल मुझे प्यारा विश्वास दिया। चाहें कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूं। मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता, ये तो आपकी मन मंशा की बात है। तो ये चुनौती हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आक्रमक, पर डरिएगा मत, ये इनका दिखावा होता है। आम जनता को आपको समझाना, किसी की इंतजार मत करिएगा कि इसने मुझे बोला नहीं काम करने, ये तो आपको खुद करना है। 6 हफ्ते की तो बात है, खुद भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आपको खुद करना है। और मुझे आप सब पर पूरा विश्वास है, आपने ये नींव बना के रखी है। इन बच्चों को ने तो बनी बनाई नींव देखी है, पर जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने नींव देखी, उन्होंने नींव बनाई। और इस नींव को हम और मजबूत करें और अपने छिंदवाड़ा के विकास की एक नई यात्रा शुरू हुए, मुझे इसका पूरा विश्वास है। आपका मुझे प्यार और विश्वास मिलता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल कमलनाथ इससे पहले आखिरी सांस तक छिंदवाड़ा में जनता की सेवा करने की बात कह रहे थे, लेकिन अचानक कमलनाथ के बदले सियासी सुर एक बार फिर चर्चाओं में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, छिंदवाड़ा।